खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत का खास प्रोग्राम खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज बात होगी उस जगह की जहां छिपा है दुनिया का सबसे ज्यादा सोना, साथ ही बात होगी इंदिरा गांधी और मेनका गांधी की सालों पुरानी जंग की, और साथ ही आपको बताएंगे कैसे अखिलेश यादव कश्मीर में पैर पसारने की कर रहे हैं प्लानिंग। इसके अलावा आज क्या हुआ कुछ खास और कौन सी खबरें बनी रही चर्चा का विषय वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अब जुमे पर नहीं मिलेगा 2 घंटे का ब्रेक, सरकार ने लिया अहम फैसला। बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है, जिसमें असम विधानसभा ने जुमे के दिन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को समाप्त कर दिया है। ये कदम असम सरकार की ओर से प्रोडक्टिविटी को प्राथमिकता देने और औपनिवेशिक काल की प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। यूपी में लाल टोपी को लेकर घमासान हुआ तेज, सीएम योगी के बयान पर भड़के अखिलेश। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी रहता है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा था कि लाल रंग की टोपी पहनने वालों के काले कारनामे सभी को पता है। इसी पर अब समाजवादी पार्टी की ओर से खुद अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग कुछ भी कहते हैं। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर बरसे पेमा खांडू, कहा टीएमसी सुप्रीमो की अराजकता की राजनीति हुई उजागर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के उस बयान की अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने आलोचना की है, जिसमें टीएमसी सुप्रीमो ने कहा था कि अगर बंगाल को जलाने की कोशिश की गई तो अन्य पड़ोसी राज्य भी प्रभावित होंगे। अन्नामलाई की अनुपस्थिति में तमिलनाडु के लिए भाजपा ने उठाया कदम, 6 सदस्यीय समिति का किया गठन। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य एच राजा समिति के संयोजक होंगे। इस समिति में राज्य उपाध्यक्ष एम चक्रवर्ती और प्रोफेसर कनाक सभापति एम मुरुगानंदम और प्रोफेसर रामा श्रीनिवासन, दोनों राज्य महासचिव और राज्य कोषाध्यक्ष एस आर शेखर सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 231 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,235 पार। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन घरेलू शेयर बाजार में एक बार फिर रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग हुई। शुक्रवार को पहली बार सेंसेक्स 231.16 अंकों की बढ़त के साथ 82,365.77 पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 83.96 अंकों की मजबूती के साथ 25,235.90 के स्तर पर क्लोजिंग हुई। घरेलू मुद्रा रुपए शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 83.86 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। आगे खास मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले जरा आज के वायरल वीडियो से आपको रूबरू करवा देते हैं। कुछ सालों पहले 2024 में एक फिल्म आई थी हाईवे। फिल्म के आखिरी सीन में हीरोइन को किडनैपर से इतना लगाव हो जाता है कि वो अपने परिवार के पास लौटना नहीं चाहती। खैर, ये तो फिल्म की कहानी है। हालांकि जयपुर से एक इसी तरह की घटना सामने आई है। इस घटना में 1-2 साल के मासूम 14 महीने पहले किडनैप हुआ था। अब जब परिवार के लोग उसे लेने आए तो वो आरोपी के गले लिपट कर रोने लगा और घर जाने से इनकार कर दिया। वो बार बार अपनी माँ की गोद से उतर कर आरोपी के पास जाना चाह रहा था। वो आरोपी से दूर जाने को तैयार नहीं था। पहले जरा देखिए ये वीडियो। सोचने बेटा, बेटा आराम से, अभी आ रहे बेटा ना, ये देना तुम। पूछो, आप एक बार पूछो, एक बार पूछो, आपको मिल गया। क्या नाम है आपका? पति का? कहाँ रहते हो आप?
देखा जाए तो बच्चों का मन कोरे कागज की तरह होता है, जो उस पर लिखो वो उसके लिए सच साबित हो जाता है। मासूम को तो पता भी नहीं था कि उसका किडनैप हुआ है। दरअसल वो आरोपी के साथ अच्छे से रह रहा था। आरोपी ने भी उसे अपने पास 14 महीने तक रखा, मगर उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी अच्छी तरह से देखरेख की, उसका ख्याल रखा और उसे खिलौने भी लाकर दिए। वो बच्चे के बदले कोई पैसा नहीं चाहता था, वो उसे बस अपने पास रखना चाह रहा था। उसका कहना था कि वो उसका बेटा है। पुलिस से बचने के लिए उसने दाढ़ी बढ़ाकर गेरुआ रंग पहनकर साधु का रूप धारण कर लिया था ताकि उसे कोई पहचान नहीं सके, मगर आखिरकार उसका पता पुलिस ने लगा ही लिया, जिसके बाद ऐसा अनोखा मामला सामने आया। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? आमतौर पर हमने सुना है कि सबसे ज्यादा सुरक्षा किसी देश के प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को दी जाती है, उनकी सुरक्षा काफी होती है, या फिर किसी संसद की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा चाक चौबंद है? इंसानों को तो छोड़िए, कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के केंटुकी की, जिसमें बने फोर्ट नॉक्स की, जहां अमेरिका ने अपने आधे से ज्यादा सोना छुपाया हुआ है। क्या है फोर्ट नॉक्स की कहानी? इतना सोना आखिर आया कहां से और कैसे होती है इस सोने की सुरक्षा? आइए जानते हैं विस्तार से। 42 लाख किलो सोना, कीमत 200 अरब डॉलर, एक अभेद्य किला और सुरक्षा में तैनात पूरी सेना, ये कहानी है दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह की। नाम है फोर्ट नॉक्स, जहां अमेरिका ने अपना आधे से ज्यादा सोना छुपाया हुआ है। आपको बता दें कि आमतौर पर किसी देश के सुप्रीम लीडर्स का आवास या दफ्तर वहां की सबसे सुरक्षित इमारतों में गिना जाता है, लेकिन दुनिया में एक बिल्डिंग ऐसी है जो इस श्रेणी में नहीं आती। इसके बाद भी उसकी सुरक्षा बहुत पक्की है, इतनी कि उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में रखा जाता है। अमेरिका के केंटुकी में बने फोर्ट नॉक्स में दरअसल सरकारी सोने का बड़ा हिस्सा रखा हुआ है। कहा जाता है कि फोर्ट नॉक्स में करीब 42 लाख किलो सोना रखा हुआ है। ऐसे में इसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट है। इसके चारों ओर कई सेफ्टी लेयर्स हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे शातिर या पहुंच वाला इंसान भी सेंध नहीं लगा सकता और कोई परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। आपको बता दें कि फोर्ट नॉक्स वैसे कोई एक इमारत नहीं, बल्कि केंटुकी का एक मिलिट्री बेस है जो काफी लंबा चौड़ा है। यहां कैंपस के भीतर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जिसमें आर्मी वाले और उनके परिवार रहते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर गोल्ड रिजर्व की सुरक्षा का जिम्मा है। यही एक इमारत के भीतर वो तिजोरी है जिसमें सोना रखा हुआ है। ये बिल्डिंग लगभग 16,000 क्यूबिक फीट ग्रेनाइट और 4,500 यार्ड्स कंक्रीट से बनी हुई है, जिसमें हजारों टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। स्टील फेंसिंग और तगड़ी सुरक्षा के चलते इसे फोर्ट नॉक्स कहा जाने लगा। अगर इसकी सुरक्षा को लेकर आपको और विस्तार से बताएं तो फोर्ट नॉक्स की दीवारें ग्रेनाइट से बनी हुई और 4 फीट से ज्यादा मोटी हैं। सामने वाला दरवाजा लगभग 22 टन वजनी और ब्लास्ट प्रूफ मटेरियल से बना हुआ है। फिजिकल सिक्योरिटी के अलावा यहाँ लगभग 30,000 आर्म्ड गार्ड हैं, जो कोने कोने में तैनात हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी जैसे सेंसर, कैमरा और अलार्म इंस्टॉल्ड हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा से भी इसे सुरक्षित माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना खत्म होने के बाद क्या होगा? जी हाँ, इस पर हम, आप नहीं बल्कि एक्सपर्ट भी चिंतित होते रहे हैं। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो सकती है, क्योंकि अभी देश की शक्ति उसके गोल्ड रिजर्व से निकाली जाती है। किसी भी देश के व्यापार में भी सोना बड़ा हिस्सा रहता है। आपको बता दें कि ये अब से नहीं बल्कि सदियों से चलता चला आया है। ये भी मुमकिन है कि सोना खत्म होने पर बड़े देश कमजोर देशों पर हमला करके उनके सोने का भंडार कब्जाने लगे। सोना खत्म होना वैसा ही है जैसे दुनिया से चावल खत्म हो जाना, इसके बगैर गुजारा नहीं। लेकिन ये सारी बातें फिलहाल हाइपोथेटिकल हैं। खैर, आपको हमारी ये दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारत की राजनीति में गांधी परिवार को बेहद अहमियत दी जाती है। कहा जाता है कि गांधी परिवार के बिना भारत की राजनीति की कहानी अधूरी है।
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अलावा आज गांधी परिवार के वंशज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और वरुण गांधी की खूब चर्चा होती है। गांधी परिवार की इतनी राजनीतिक कहानियां हैं कि सुनाने के लिए महीनों लग जाएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी को लेकर कई कहानियां आए दिन सामने आती हैं। जल्द ही सिनेमा घरों में इंदिरा गांधी की एक कहानी दर्शक इमरजेंसी फिल्म के तौर पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताएंगे और बताएंगे कि कैसे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने अपनी बहू मेनका गांधी को घर से बाहर का रास्ता दिखाया था, कैसे वो अच्छी प्रधानमंत्री बन पाई हो या नहीं मगर एक अच्छी सास भी नहीं बन पाई। उनकी छेड़ी हुई जंग का खामियाजा आज तक गांधी परिवार उठा रहा है, जहां घर की दो बहुएं अलग अलग नावों में सवारी कर रही हैं। तो चलिए आपको कहानी बताते हैं उस रात की जब इंदिरा गांधी ने अपनी ही बहू से कहा था, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। वो दौर जब देश में एक महिला का राज था, वो दौर जब इंदिरा गांधी के नाम से दुनिया भर में भारत का डंका बजता था। उस दौर में भारत में इंदिरा गांधी जहां राजनीति संभाल रही थी, वही परिवार उनसे कहीं ना कहीं बिखर रहा था। उनकी छोटी बहू से अनबन शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेनका गांधी की, जो आज कांग्रेस से किनारा कर सालों से बीजेपी की सेवा में काम कर रही है, जिन्होंने अपने खानदान की परंपरा को तोड़ने का दम हमेशा से रखा। जी हाँ, दिल्ली के सिख परिवार में जन्मी मेनका गांधी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई लॉरेंस स्कूल से हुई, फिर उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और जेएनयू भी गई। मेनका ने कॉलेज के बाद मॉडलिंग में हाथ आजमाया और यही उनकी गांधी फैमिली में एंट्री की वजह बना। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय ने जब एक पत्रिका में मेनका की तस्वीर देखी तो पहली नजर में उन पर फिदा हो गया। संजय गांधी और मेनका की मुलाकात हुई, दोनों करीब आए और जुलाई 1974 में एंगेजमेंट कर ली। दो महीने बाद सितंबर 1974 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। संजय गांधी और मेनका का साथ करीब 6 साल का रहा। जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। संजय के जाने से इंदिरा गांधी को गहरा धक्का लगा। उन्होंने संजय की जगह लेने के लिए अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को आगे किया। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता संजय की पत्नी मेनका गांधी को उनका वारिस मान रहे थे। खुद मेनका को भी लग रहा था कि अपने पति की विरासत की असली हकदार वही। संजय गांधी के वफादार रहे तमाम कांग्रेसी नेता मेनका गांधी के पीछे खड़े थे और उन्हें समर्थन दे रहे थे। इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता अकबर अहमद डंपी भी शामिल थे। मार्च 1982 में डंपी ने लखनऊ में एक सभा का आयोजन किया जिसमें संजय गांधी की विरासत को याद किया जाना था। एक तरीके से सभा का मकसद शक्ति प्रदर्शन करना और ये जताना था कि संजय की विरासत की हकदार मेनका गांधी ही है। मेनका बाकायदा इस सभा में आने का उनको न्योता भी भेजा गया। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड सॉरी में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी को डंपी की उस सभा की भनक लग गई। ठीक उसी समय उन्हें लंदन जाना था। इंदिरा ने बहू मेनका को बुलाकर लखनऊ की सभा में न जाने की सख्त नसीहत दी। हालांकि मेनका ने उनकी बात नहीं मानी, सभा में गई और वहां धारदार भाषण दिया। इंदिरा भारत लौटी तो उन्हें मेनका की सभा में जाने का पता चला। वो आग बबूला हो गई। उन्हें लग रहा था कि मेनका ने उनका अपमान किया है। इंदिरा ने पहले अपनी बहू मेनका को एक चिट्ठी लिखी जिसमें ये भी लिखा कि वो कभी नहीं चाहती थी कि संजय गांधी और उनकी शादी हो। जेवियर मोरो अपनी किताब में लिखते हैं, लखनऊ की सभा के बाद 28 मार्च 1982 की सुबह पहली बार मेनका गांधी सफदरजंग वाले मकान में पहुंची तो उनका इंदिरा गांधी से सामना हुआ। मेनका ने अपनी सास से नमस्ते किया लेकिन उन्होंने तलखी से कहा, बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका गांधी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया और कहा कि आपको मैडम बुला रही है। मेनका गांधी जब नीचे आई तो वहां इंदिरा गांधी के अलावा धीरेंद्र ब्रह्मचारी और उनके सचिव आर के धवन भी मौजूद थे। इसके बाद मेनका गांधी ने अपनी बहन अंबिका को फोन किया। अंबिका के जरिए मेनका और उनकी सास के बीच लड़ाई की खबर मीडिया तक पहुंच गई। रात 9 बजते इंदिरा के घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। रात 9:30 के करीब मेनका की बहन अंबिका भी वहां पहुंची और अपनी बहन से बात कर रही थी कि इंदिरा फिर कमरे में आई और दोबारा घर से निकलने के लिए कहा। इस बार अंबिका ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि उनकी बहन कहीं नहीं जाएगी, ये घर उसका भी है। इंदिरा गांधी ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, ये घर भारत के प्रधानमंत्री का है। उसके बाद मेनका गांधी अपना सामान पैक करने लगी।
उधर इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य सचिव पीसी अलेक्जेंडर को बुलवाया। इंदिरा चाहती थी कि उनका पोता वरुण गांधी उनके पास ही रहे, लेकिन अलेक्जेंडर और दूसरे लोगों ने समझाया कि कानूनी तौर पर संभव नहीं। इसके बाद रात 11 बजे मेनका गांधी हाथ में एक सूटकेस थामे गाड़ी पर बैठी और अपनी मां के घर रवाना हो गई। अगली सुबह के अखबारों ने पहले पन्ने पर इस घरेलू तमाशे को जगह दी। इस पूरी घटना के बाद गांधी परिवार दो ध्रुवों में बट गया और सियासी फ्यूचर भी। मेनका गांधी ने अगले साल अकबर अहमद डंपी और संजय गांधी के अन्य पुराने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी बना ली। फिर 1984 के लोकसभा चुनाव मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से निर्दलीय लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई। 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। 1991 का चुनाव मेनका पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर हार गई। इसके बाद 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। 1998 में मेनका निर्दलीय चुनाव लड़ी और फिर जीत दर्ज की। बीजेपी के साथ मेनका गांधी का सफर 2024 में शुरू हुआ। दरअसल अभी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अपना 68वां जन्मदिन मनाया। जब भी गांधी परिवार के सदस्यों का राजनीति में जिक्र होता है तो मेनका गांधी का नाम सोनिया गांधी से पहले आता है। इसका कारण यह है कि मेनका गांधी ने सोनिया गांधी से पहले भारतीय राजनीति में कदम रखा था। मेनका गांधी जिन्हें आज आप एक नेता के रूप में जानते हैं, वो एक मॉडल और एक पत्रकार भी रह चुकी हैं। आज वो राजनीति में तो हैं, लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू गांधी परिवार की विरासत नहीं संभाल रही। लेकिन आज मेनका गांधी महिलाओं और पर्यावरण के मुद्दों पर जमकर बोलती हैं। देश के किसी भी जानवर के साथ अमानवीय व्यवहार सामने आता है तो सबसे पहले मेनका गांधी ही मुखर होकर बोलती हैं। मेनका गांधी अपने इस बेबाक अंदाज की वजह से भाजपा में रहते हुए भी अलग नेता के तौर पर जानी जाती हैं। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय फलक पर विस्तार के प्रयास में जुटी है। इसके लिए उसने उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की ठानी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में उम्मीदवार उतारकर वो दोनों राज्यों में अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई है। लोकसभा के भीतर संख्या बल के हिसाब से वो देश की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। सपा को अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कारण अभी हाल ही में जहां भी चुनाव होंगे वो अपने उम्मीदवार जरूर उतारने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसी को लेकर सपा प्रमुख ने अभी 24 अगस्त को जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हालांकि वर्मा पुरानी बसपाई हैं और वो 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और जम्मू कश्मीर में लगातार सक्रिय हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि सपा की कांग्रेस से भले इस मुद्दे पर कोई बात ना हुई हो, लेकिन उसकी नज़र जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सपा को केंद्र शासित प्रदेश में गठबंधन में कोई सीट मिलने की संभावना कम है, लेकिन सपा इसके बावजूद चुनाव में ताल जरूर ठोकेगी। उधर हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन वो वहां पर कांग्रेस से गठबंधन चाह रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बात भी चल रही है, क्योंकि वहां की सीटें ही कांग्रेस के यूपी उपचुनाव का भविष्य तय करेंगी। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों में वो भी हम आपको बता देते हैं। आज भारत के स्टार पैरा शूटर अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। अवनी ने लगातार दूसरी बार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में अवनी ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं इसी इवेंट में भारत की अन्य पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज पर निशाना साधा। मोना ने फाइनल में 228.7 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता, जबकि अवनी ने पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ सोने का तमगा हासिल किया। अवनी ने 3 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना के लिए माफी मांगी। पालघर में पीएम मोदी ने कहा, 2013 में बीजेपी ने मुझे पीएम उम्मीदवार बनाया था। सबसे पहले मैंने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने एक भक्त के तौर पर बैठकर एक नई यात्रा शुरू की।
झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले शिवराज ने कहा कि चंपई सोरेन भाजपा के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक संपत्ति है। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही रास्ते पर लाने का काम किया और उसी का नतीजा है कि उनकी जासूसी शुरू कर दी गई है। बठिंडा के रामपुरा फूल में रहने वाली एक महिला किसान नेता के घर पर शुक्रवार को एनआईए ने रेड की। एनआईए की टीम सुबह ही महिला किसान नेता सुखविंदर कौर के घर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही किसान भी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दे इजाजत, जाते जाते एक बात जरूर करेंगे, क्या आपको भी अपनी फोटो अलग अलग पोज में सोशल मीडिया पर शेयर करना अच्छा लगता है? अगर हाँ तो इस आदत को बदल लीजिए। खास उन फोटो को शेयर करने से जरूर बचिए जिसमें आपकी हथेली या उंगलियों के निशान दिख रहे हो। दरअसल अब साइबर अपराधियों की नजर आपके हाथ की लकीरों पर है। जालसाज आपके सोशल मीडिया पेज से आपकी ऐसी फोटो को निकालकर आपके फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम से रुपए निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की तैयार फिंगरप्रिंट का मिसयूज भी हो सकता है। एसीपी साइबर क्राइम विवेक रंजन रॉय ने बताया कि जिले में ऐसे 10 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। नोएडा पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। ठगी के शिकार इन 10 लोगों की फोटो से फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार किया गया है। इसलिए अगर आप भी ये काम करते हैं तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दें इजाजत आज के सुविचार के साथ। किस्मत के पन्ने वही पलटता है जो दिन रात मेहनत करता है।